गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर थर्ड में कह रहा है कि फाइंड द फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दिया गया है। इसमें एक दिया हुआ है कॉट एक्स और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बताने हैं। बाकी के बताने हैं मतलब क्या, बाकी के जो बचा छः होते हैं पांच कॉट दे दिया, बाकी सब बताना है। तो यहाँ देखो क्या दिया गया है, दिया गया है कि कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से अब आप देखिए एक कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स लाइज इन थर्ड कॉर्ड। तो यहाँ लिखो सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट बना के दिखाते हैं आपको। चलो ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ऐसे तो था। एक्स कह रहा है कि लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब रिवॉल्विंग लाइन इस समय यहाँ पर है, तो ये रिवॉल्व की रिवॉल्व करते करते यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में इस जगह पर है, इस जगह। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही तो पॉजिटिव होता है, यही तो पॉजिटिव होगा। और बाकी सब बचे क्या, चार साइन कॉस कॉसेक से नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो ठीक है। कॉट दिया हुआ है और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताना है, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। तो फार्मूला क्या है आप पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम प्रूफ करके बताए हुए हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो में देखेंगे। देखो कॉट दिया है, कॉसेक हम निकाल सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को जब इधर रखेंगे तो कॉट उधर जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं। अब स्क्वायर रूट लेंगे, अब दोनों साइड जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक मिनट देखें, पता नहीं उधर आपके नीचे लिखेगा ना, यहाँ लिखे। तो कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा जब आप स्क्वायर रूट लोगे इधर का, तो यहाँ तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, यही आएगा। देखो ध्यान से समझो, ये देखना है हमारा फॉर्मूला, जो कॉसेक अगर हम निकालेंगे, कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉट हमें पता है, तो कॉट सुनिए आइडेंटिटी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस में से प्लस साइन लें कि माइनस साइन लें, ये देखो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है एक्स, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। लेकिन हम निकालने क्या जा रहे हैं, कॉसेक तो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तब हम क्या करेंगे, केवल नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पर। तो इसलिए अब यहाँ पर अब आप प्रथम कॉसेक थीटा अब आप आराम से निकाल सकते हो, कॉसेक थीटा हमें पता चल गया कि नेगेटिव होगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो बस अब क्या है, तो निकल जाएगा। हाँ तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला देखने लिए तो आइडेंटिटीज है, तो ये पता चल गया। अब देखो कॉसेक थीटा है माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट देखो हम जो बना रहे हैं, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन किस में दिया हुआ है, एक्स में दिया है, ठीक है। हमारा फंक्शन जो है वो थीटा में नहीं है, थीटा में इसलिए हम समझाएंगे कि बच्चे जो होते हैं ना थीटा में रटे रहते हैं फॉर्मूला, तो इसे थीटा में समझा दिया। लेकिन हमें यहाँ पर थीटा नहीं लिखना है, हमारा फंक्शन है एक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है एक्स में है, तब आप यहाँ एक्स लिख दो, ठीक है। यहाँ पर सब जगह क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, तो ठीक है ये। अब कॉट की वैल्यू तो है 3/4 का स्क्वायर कर लेंगे, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
थ्री का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16 और 16 ये हो जाएगा अंडर रूट 25 बाई 16 यानी 5 अपॉन 4 है, यानी कॉसेक एक्स निकाल लिया गया तो कॉसेक एक्स निकाला गया तो क्या मिला 5 अपॉन 4 मिल गया। अब साइन एक्स निकाल सकते हैं, साइन एक्स थोड़ा आसान होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, साइन एक्स कॉसेक एक्स है 5 अपॉन 4 तो साइन एक्स इसको उल्टा कर दिए 4 अपॉन 5। लेकिन ये देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, यहाँ क्या लगेगा माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, ये क्या इसमें आएगा माइनस में आएगा तो ये भी क्या होगा ये माइनस में आएगा, माइनस भी देख लेना क्योंकि आगे माइनस लगा नहीं लगा, माइनस लगा रहे तो यहाँ माइनस होगा फिर यहाँ माइनस होगा फिर यहाँ सब माइनस होगा। और फिर साइन एक्स हमने निकाल लिया, देखो क्या क्या हमने निकाल लिया, कॉसेक एक्स निकाल लिया और इधर साइन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4.5 साइन एक्स निकाल लिया। अब बचा क्या, अब बचेगा क्या, अब ऐसा खुद ही सोच लो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कॉस एक्स भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, नेगेटिव आया नहीं है, अब जो बच गया उसको हम यहां निकाल देते हैं। अब देखो टैन निकाला जा सकता है क्योंकि कॉट दिया ही है तो टैन एक्स जो होता है ना वो कॉट का उल्टा होता है, टैन एक्स जो है वो कॉट का उल्टा होता है तो 3 अपॉन 4 के 4 अपॉन 3 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए टैन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। चलो एक और हमारे पास निकल आया, ये टैन भी निकल आया, अब बचा क्या कॉस निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं तो कॉस निकालने के लिए देखो साइन एक्स तो हमारे पास है ही है, साइन एक्स यहां पर है तो साइन एक्स इस यही देखो यही निकाल लेते हैं, चलो यही पर निकाल लेते हैं इसका साइन एक्स का, तो साइन एक्स के बाद कॉस एक्स का फार्मूला होता है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर रखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये रूट में आ जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे क्या कॉस थीटा निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा अब बात आई पॉजिटिव और नेगेटिव की, लेकिन एक्स कहाँ लाइज कर रहा है, जो एक्स है एक्स लाइज कर रहा है किस जगह पर, क्योंकि थीटा से यहाँ समझाया है आपको, लेकिन यहाँ पर एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो साफ सी बात है कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा, तो कॉस एक्स है तो इसका फार्मूला होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा ये, ठीक है नीचे दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पर दिख रहा है देखो साइन एक्स माइनस 4 अपॉन 5 तो कॉस एक्स 1 माइनस, अब इसे वैल्यू रखते जाएंगे इसकी, इसकी वैल्यू रखिए 1 माइनस साइन एक्स क्या है माइनस 4 अपॉन 5 तो माइनस 4 अपॉन 5 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, चलो चलो माइनस 4 अपॉन 5। अब यहां पर देखो 1 हो गया माइनस हो गया और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और 16 अपॉन 25, तो इसको आप सॉल्व जब करोगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3 अपॉन 5 आएगा और वो भी किसका है नेगेटिव का है 3 अपॉन 5 वो भी नेगेटिव आएगा, यानी साइन एक्स हमने निकाल लिया कॉस एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स की वैल्यू क्या आई, कॉस एक्स की वैल्यू आई है माइनस 3 अपॉन 5, एक ये भी निकल गया कॉस भी निकल आया यहाँ पर, ठीक है अब कॉस निकल गया दिखा हाँ दिख तो रहा है समझ में आ रहा है ना सब, ये देखो सब निकाल लिया गया
तो अब बारी है किसकी, अब बारी है टैन, देखो टैन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, साइन भी निकल गया, अब सेक निकालना है सेक एक्स, तो सेक एक्स के लिए क्या करो, सीधा कॉस को उल्टा करो, तो ये फाइव पॉइंट भी जाएगा माइनस फाइव पॉइंट, ठीक है, सब निकल आया, देखो नंबर वन फर्स्ट, नंबर टू ये निकला, और क्या कहते हैं ये थर्ड निकल गया, ये फोर्थ निकल गया, और ये फाइव, फाइव फंक्शन निकल गया, एक दिया ही हुआ है, हो गया तो बता ली, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये सब फॉर्मूला लगे क्लियर है, दिख रहा है, कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से।